हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, वी कॉम यू लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बिजनेस कम्युनिकेशन में ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर। कोई भी कम्युनिकेशन जब भी आप करते हैं तो कम्युनिकेशन में यह पूर्ण रूप से ध्यान दें कि जो हमारी बैरियर्स बाधाएं उत्पन्न हो रही है 2% के बीच, उनको मिनिमम कम से कम करने का प्रयास किया जाता है, कम से कम वो इफेक्टेड प्रभावित रहे। एक बेटर कम्युनिकेशन के अंतर्गत आप वर्क कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग द लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन, हमेशा कम्युनिकेशन 2% के बीच, एक 2% इनकम्पोटेंट ऑफ द लॉन्ग मटेरियल्स, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट मटेरियल होने चाहिए, छोटा होने चाहिए, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। जितना अधिक छोटा होगा उतना अधिक ही वह प्रभावशाली होगा। तो ये लॉस्ट सर्टेनिंग लाइन कम्युनिकेशन ये बताता है कि नंबर लेवल ऑफ द पॉसिबल होती है, जिससे वह आसानी से समझ सकती है। नेक्स्ट है यूज ऑफ सिंपल एंड मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज। हमेशा सिंपल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। एक दूसरे से जो हम बातें कर रहे हैं वो अंडरस्टूड, वह उसे समझ लेना चाहिए। डबल मीनिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जैसे क्रेन शब्द का तो मशीन में होती है, क्रेन एनिमल्स में होता है, लेकिन आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल, जैसे बी वाई बाई होता है तो परचेज, बी वाई ई भी बाई होता है, तो ऐसे वस्तु अगर डबल मीनिंग के वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें यह ध्यान रखें या क्लेरिफाई कर दे कि हम किस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये क्या प्रभाव आपके बिजनेस पर देती है। तो ये आपके लिए हमेशा सिंपल इजिली वर्ड का इस्तेमाल हो, जिससे आपके लैंग्वेज हमेशा एक दूसरे के अंडरस्टूड, आसानी से समझी जा सके। नेक्स्ट है डेवलपिंग पेशेंस टू लिसन एंड अंडरस्टैंड अदर। किसी भी कम्युनिकेशन करते समय उसको सुनने समझने के लिए पेशेंस, धैर्य की आवश्यकता हो। तो एक व्यक्ति अगर अपनी पूरी बातें कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति शांति से जब तक उसके वर्ड इंड न हो जाए तब तक वह पूरे वर्ड को धैर्य पूर्वक सुने, उसके बाद अंडरस्टूड होने के बाद ही वह उसके संबंध में कोई रिजल्ट दे या प्रतिक्रिया दे या आंसर देना चाहे। तो आपके लिए इन हैज टू लिस शुड बी द एक्सप्रेस आइडिया नॉट ओनली फ्रॉम ओन एंगल बट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ द व्यू। अदर पॉइंट को हम देख सकते हैं जिसके आधार पर दिया जा सके। जैसे किसी भी वर्क आप करते हैं, आपके कंपनी में बॉस अगर काम करता है तो अधीनस्थ को, अपने सबऑर्डिनेट को वह क्या वर्क करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या उसकी एटीट्यूड को तय करती है, एटीट्यूड के ही आधार पर निर्भर करती है। तो हमेशा बॉस अपने सबऑर्डिनेट को एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेते हुए उनको वर्क को डिफाइन करता है और उनसे कहता है आप बेटर कर सकते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप बहुत मेहनती हो। तो कम्युनिकेशन में हम उसको वर्क के लिए भी प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग द 10 कमांडेड ऑफ द गुड लिस्टिंग। किसी भी शब्द को सुनने के लिए 10 कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट आपके लिए आता है स्टॉप टॉकिंग। जब कोई भी बात हो तो जब आप कोई चीज रिटेन करते हो तो आप लिखते हो कामा, लिखते हो फुल स्टॉप, लिखते हो पैराग्राफ्स को चेंज करते हो। उसी प्रकार से जब हम आपसे भी आपको टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लगातार बोलते जाए, एक वर्ड जब दूसरे हमारी सेंटेंस को चेंज होती है तो हर सेकेंड्स का भी हम ड्रॉप देते हैं। उसी प्रकार से तो हमारी लिस्टें हमारी सुनने की कैपेसिटी के इंटरेस्ट को डेवलपमेंट करते समय स्टॉप टॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जिसके आधार पर हम बात करते हैं और इंटरेस्ट बना रहता है। पुट टॉक इन द इजी, हमेशा आसानी से शब्दों का इस्तेमाल, आपको इस्तेमाल। सो हिम दैट यू वांट टू लिस्टिंग, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कौन सी बातों को सुन ले, एक निश्चित दूरी के आधार पर हम करते हैं।
रिमूव ऑफ द डिस्ट्रैक्शन इंपैथिक विथ द टास्कर अपने आप में दे बी पेशेंस धैर्य पूर्वक बातों को सुने होल्ड योर टेंपर क्योंकि हम कोई भी बात पसंद नहीं आती है तो हम पूरी बात सुने हम गुस्से में ना हो चिड़चिड़ा ना हो उठ के भागने ना लगे ऐसी भी चीजें नहीं करनी चाहिए पहले हमें कम्युनिकेशन में पूरी बातों को सुननी चाहिए गो इजी ऑन आर्गुमेंट एंड क्रिटिसिज्म तर्क वितर्क ना करें क्योंकि हमेशा जब वो कोई बात बोले तो आप उसे तुरंत काटने के लिए तैयार रहिए धाक देने के लिए तैयार रहिए उलट दीजिए कि उसका कोई ऐसी चीजों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आस्क टू क्वेश्चन आवश्यकता पड़े तो हम क्वेश्चंस को पूछे अगर हमें आवश्यक न हो तो हमें कोई क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ये आपके लिए वर्ड्स देती है नेक्स्ट है किस कीप इन शॉर्ट स्टूपिडिटी किसी भी का आप कम्युनिकेशन करते हैं तो मच कम्युनिकेशन मिनी आई एम प्रोबेबली लॉस्ट टू डिफेक्टेड कम्युनिकेशन उतना ही किया जाए जितना दोनों पार्टी को एक गरिमा को बनाए रखते ज्यादा कम्युनिकेशन करने से कभी न कभी उनमें डिफेक्ट हो जाती है तो हमेशा कम्युनिकेशन करते समय यह ध्यान देना है आपको कि एक निश्चित दूरी रख करके और जितनी आवश्यक हो उतने ही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करें यूटिलाइज फीडबैक फीडबैक का भी हमेशा उपयोग करनी चाहिए After information transmitted without the communication sign, communication complete when message understood by receiver, one never know whether the communication understood unless the sender get feedback. बिना समझे कोई जब कोई भी फीडबैक हम कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो पूरी बातें को सुनता है समझता है जिसे कंप्लीट कम्युनिकेशन होने पर वह अपनी प्रतिक्रिया को देती है तो फीडबैक हमेशा देनी चाहिए डेवलपमेंट म्यूचुअल ट्रस्ट आपसी विश्वास के साथ को विकसित करना अब आपका बिजनेस है तो डायरेक्टर है आपका बॉस है फिर आपके सबऑर्डिनेट है एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेशन करते समय हम लॉन्ग टर्म तक उन कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं जिससे बॉस को मतलब डायरेक्टर को बॉस और बॉस का सबऑर्डिनेट एक जो चैनल हमारा बना हुआ है बिजनेस का या एक दूसरे के विश्वास के साथ ही हम वर्क करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ हम वर्क करते हैं बोथ पार्टी अप्रिशिएट ऑफ द प्रॉब्लम मिल करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मोर यूज टू इनफॉर्मल फेस टू टॉक हमेशा जब भी हम कोई भी कम्युनिकेट करते हैं तो आंख जैसे कहा था ना कि हमने उससे बात की लेकिन उसमें आंख से आंख नहीं मिली तो आंख से आंख न मिलाने का मतलब जी चुराना तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो इस कम्युनिकेशन के प्रति उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हमेशा किसी भी व्यक्ति को बेटर कम्युनिकेशन के अंतर्गत दोनों व्यक्तियां आपस में मिलकर के आंख से आंख मिला करके बातें करते हैं जो कम्युनिकेशन को पॉजिटिव फॉर्मल ले जाते हैं या फॉर्मल या इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कि उनके इफेक्टेड को प्रभावित करती है नेक्स्ट है आपके लिए टू अवॉइड प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन जब कोई भी समय से पूर्व मूल्यांकन कर जब तक आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक कंप्लीट होने से पहले ही आप उसको वैल्यूएट करने लगे और देखिए कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है तो ये गलत है हमेशा वैल्यूएट नहीं करना चाहिए इसके लिए आपको हमेशा वैल्यूएशन करते समय यह ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन आपका पूर्ण होना चाहिए कंप्लीटली होनी चाहिए तभी ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है नहीं तो ये रॉन्ग वर्क के ऊपर डिसीजन ड्राइव करता है नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में हमेशा समन्वय बनाए रखना है कि या मैनेजिंग आपको बिजनेस के लिए डायरेक्टर हो ओनर हो फिर उसके सबऑर्डिनेट हो तो अनदर जगह पे ये मैनेजमेंट हमेशा कोऑर्डिनेट बनाती है इसके लिए सबसे बड़े आपको मैनेजमेंट की स्किल में आपको यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत इतना बड़ा बिजनेस और कंट्री ये मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के ऊपर ही ऑल द बेटर वर्क करती है
आज आपने फुल वीडियो ओवरकमिंग कम्युनिकेशन बैरियर देखी कि जो हमारी बैरियर्स है उनको बैरियर्स को मिनिमाइज कम से कम करना और इफेक्टिवली हम अपने कम्युनिकेशन को बनाए रखे हैं, जिसमें शॉर्ट क्लिशिंग कम्युनिकेशन छोटा होना चाहिए, सिंपल मीनिंगफुल होनी चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके हो, डेवलपिंग पेशेंट धैर्य के साथ पूरी बातों को सुननी चाहिए, फीडबैक का उपयोग किया जाना चाहिए, डेवलपमेंट म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास होनी चाहिए, मोर यूज फॉर्मल फेस टू फेस टॉक होनी चाहिए, प्री मेच्योर वैल्यूएशन नहीं किया चाहिए, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन संबंध में होनी चाहिए। इसके संबंध में आपने फुल वीडियो देखी, थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।